पैनिक अटैक कन्वर्टिंग इनटू एंग्जाइटी प्रॉब्लम और एंग्जाइटी न्यूरोसिस, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। केस स्टडी आपको बताता हूं मैं। एक 27 साल का युवक अभी मेरे पास में आया, उसको पिछले 3-4 साल से पैनिक अटैक आ रहे, और पैनिक अटैक जब आते रहते थे तो एकदम बहुत ही घबराहट, अचानक शुरू हो जाना घबराहट, सीने में धड़कन धक 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 कर रहा है, इतनी घबराहट कि उसको लगता कि अभी मैं मर जाऊंगा, बेचैनी, फिर एक जगह नहीं बैठना, इधर से उधर उधर से उधर जाना, इतनी घबराहट कि उसको लगता कि अभी मैं कहाँ भाग जाऊं, या फिर वो उस समय फिर बहुत पानी पिएगा, कुछ तो भी खा लेगा, या फिर घर के तरफ मतलब भाग के निकल आएगा, घर पे बैठेगा, फिर अपने कमरे में जाके बैठ जाएगा, या फिर डॉक्टर की तरफ चले जाएंगे, बोलेंगे कि अभी मुझे तपासो, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है और पैनिक अटैक आ गया। इतनी घबराहट, हाथ पैर थरथराना, पसीना तर हो जाना, 2-3 मिनट 4 मिनट ऐसा अटैक चलता था और वो धीरे 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 आधे घंटे में कम होता था। और अभी क्या हो गया कि अभी कंटिन्यूस 24/7 उसको भी एंग्जाइटी है, और एंग्जाइटी में क्या है, एंग्जाइटी में उसको हाथ थरथराना, ट्रेमर्स, पसीना आना थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर, घबराहट, बेचैनी महसूस होना, नींद नहीं आना, और बहुत चिंता लगना कि अभी क्या होगा, कैसा होगा, इस तरह की चिंता है। उसके लिए भी उसने टैबलेट लिया, मगर टैबलेट से भी टेम्पररी बहुत फ़ायदा हो रहा है, और वो फ़ायदा होके फिर वो थोड़ा सा फिर और टैबलेट लेता, फिर हो गया कि उसको आदत लग गई टैबलेट की, फिर उसने आदत छोड़ने के लिए फिर और कोशिश किया, फिर भी तकलीफ हो रही है, और ऐसा चल रहा है। अभी उसको टैबलेट छोड़ने की है, टैबलेट से भी पूरा फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना चाहिए उतना, और फिर अभी सोचता है कि अभी करूँ क्या, क्योंकि उसको धंधे पानी में उसका इफेक्ट होता है, मतलब उसका बिजनेस है उसके ऊपर जाता नहीं है, शादी के लिए ना बोल रहा है क्योंकि शादी के बाद में ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी कम है, घर में भी काम नहीं करना ज़्यादा, बाहर जाने का नहीं, घर में बैठे रहना ऐसा होता रहता है। और फिर घर के लोग बोलते कि बाकी तो सब ठीक है, अच्छा तो है, काम नहीं करता, आलसी बन गया, ऐसा उसको वो ताने मारेंगे, फिर उससे और वो डाउन हो जाएगा, ऐसा चल रहा है उसका। उसको मैंने बोला कि भी देखो, आपको दो तरह का इलाज अभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जो आप दवाई ले रहे हो उतनी काम की नहीं है, उतना काम नहीं कर रही, अपने को 100% फायदा हो जाएगा, ऐसे मैं आपको दवा दूंगा। और नंबर दो, आपको NLP हिप्नोसिस करना पड़ेगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विथ हिप्नोसिस, ऐसा करना पड़ेगा, और काउंसिलिंग करेंगे हम आपका, ये दोनों आप करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, ऐसा उसको मैंने बताया। और उसको काउंसिलिंग के बारे में बताया कि भाई हम काउंसिलिंग कैसी कैसी करते हैं, अतीत में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके वजह से आपको तकलीफ हो रही है, बचपन में तो आप ऐसे नहीं थे, बचपन में तो बहुत अच्छे थे, फिर कुछ तो भी हुआ, और कुछ तो भी होने के बाद में मन में धक्का बैठ गया, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो भी हुआ जाके बैठ गया, वो उसका विश्वास बढ़ गया, बिलीफ हो गया सबकॉन्शियस माइंड का कि उसके ऊपर, और वो उसका तकलीफ चालू हो गया, तो बोले वो देखना पड़ेगा। और उसको मैंने रिलैक्सेशन टेक्निक्स, सेल्फ हिप्नोसिस, फिर न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है NLP, उसके जरिए कुछ उसको और बताया टेक्निक्स कि डर कैसे, फोबिया कैसे निकालना, फोबिया बस्टर टेक्निक जो है वो, उससे मैंने उसको बताया, और फिर धीरे 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 उसको फ़ायदा होने लगा। उसको मैंने फिर 7 दिन तक रुकाया मेरे पास में, बाद में मतलब अभी आप दवा ले लो, ये प्रैक्टिस करो, और बाद में मेरे पास में आना है, ताकि फिर आपको समझेगा कि भाई फीडबैक आप जब मुझे देंगे उसे मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो एक ये है कि मैंने उसको बोला कि देखो आपके अतीत में कि क्या हुआ, कहाँ से ये शुरू हो गया, कहाँ आपको धक्का बैठ गया, किसने आपके ऊपर डोमिनेशन किया, या किसने आपके ऊपर कोई अग्रेशन करके बताया, मारा, ठोका, चिल्लाया, चीखा, जो भी है, क्या ऐसा हुआ कि आपको दहशत बढ़ गई, कौन से ऐसी न्यूज़ आ गई कि जिसकी वजह से आपको लगा कि अभी मैं मरने वाला हूँ, क्या ऐसा हो रहा है कि आपको फ्यूचर की चिंता लग रही है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। फिर जब उसने मुझे बताया काउंसिलिंग के दरमियान, तो मालूम पड़ा कि भाई उसको उसके पिताजी जो थे बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे, चिल्लाते थे, चीखते थे छोटी छोटी बात के ऊपर, और बच्चा जब था वो 4 साल का 5 साल का मस्त खेलता था, कुत्ता था, मगर हर बार उसके पिताजी घर पे आ गए, घर पे आने के बाद में एकदम स्मशान शांत था। ये आदमी घर पे आया है उसका पिताजी कि बस सब लोग शांत हो जाएं, कोई बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो कब चिल्लाएंगे, कब चीखेंगे और कब मारेंगे कुछ भरोसा नहीं था। और जब एक बार वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसने न्यूज़पेपर में ऐसी एक खबर आई थी अखबार में कि भाई पिताजी ने बच्चे को मारा और उसका मृत्यु हो गया, और वो खबर देखते वो खबर जब उसने पढ़ा तो उसको लगा कि अपने पिताजी अपने को मार रहे हैं और अपना भी अपन खलास हो जाएंगे, मर जाएंगे, और वो जो दिमाग में बैठ गया वहाँ से उसका ये अटैक चालू हो गया। उसका पूरा पास सुनने के बाद में उसको काफ़ी काउंसिलिंग किया,
बताया कि पास, वो पास अभी भी आप जी रहे हैं, राइट नो तो कुछ नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में तो कुछ भी नहीं है, फिर डर काय का है कि जो अतीत में हुआ हो, अतीत में हुआ वो आप रख रहे फ्यूचर में, कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर पिताजी से ऐसा कोई आदमी आता था तो वो उसको डरता था, कोई अथॉरिटी फिगर, तो ऐसा कोई आदमी आ गया तो आप डरते हो, आपको लगता है कि वो मारेगा मेरे को, ठोकेगा। तो ये पास्ट आपने लाके रखा है फ्यूचर में और वहां से आपको लग रहा है डर, अभी क्या होने वाला है, अभी तो कुछ होने वाला नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आप उसको इरिलेवेंट कर सकते क्या? मतलब उसको जो आपने कहानी बनाई है उसकी, कि अभी यही ऐसा होऊंगा और मैं मर जाऊंगा, ये जो कहानी बनाई है, कहानी करके आप समझ सकते कि ये कहानी है, ये सच्चाई नहीं है। अभी तो बहुत मैं बड़ा हूं, अभी कोई पिताजी मार नहीं रहे, अभी तो कोई मेरी मृत्यु होने वाली है नहीं, या इसको आप प्रेजेंट हो सकते क्या? ये जब मैंने काउंसिलिंग में सेशन में उसको बता दिया, धीरे 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 उसका एंग्जाइटी कम हो गई, दवा भी कम हो गई और वो अच्छा जीवन जीना चालू किया। काफ़ी लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है, जरूर आप लोगों को शेयर करो, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों को ये बीमारी से मुक्ति हो जाएंगी, उत्पादन क्षमता उनकी जो है वो बढ़ जाएंगी और अपना देश आगे बढ़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।